हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 पूरा रिवीजन करने वाले हैं एक ही वीडियो में। दिस इज़ अ वन शॉट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। संदीप गर्ग के अकॉर्डिंग ये चैप्टर है, चैप्टर 2 पूरा एक ही वीडियो में समझने वाला है। सर्कल ऑफ रोविंग का अगर आपने समझा है तो उसकी वीडियो बनी हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर चलिए देखिए, सबसे पहले इसमें आता है कॉन्सेप्ट आपका डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, देखो इस वीडियो में हम कोई ऐसा नहीं है कि मैं आपको बुक से पढ़ाने वाला हो, ये कोई छोटी क्लास तो नहीं है। ठीक है, हम बेसिकली टॉपिक का मीनिंग समझेंगे अच्छे से ताकि आपको याद ना करना पड़े, आपको समझ में आ जाए, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि लिखवाना कि लिखवा के एक तो कि भाई इसमें ठीक है ये डेफिनेशन ये लिखी हुई है सब चीज़ें, ये तो आपको बुक में मिल जाएगी ना, लेकिन वो डेफिनेशन लर्न कैसे करनी है, उसका मीनिंग क्या है, वो हम समझेंगे आज। तो देखो डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या है, इसको हम इकोनॉमिक टेरिटरी बोलते हैं। मतलब हमारे देश की बाउंड्रीज, यानी कि जैसे हमारा देश है तो उसकी जो भी ये जो बाउंड्रीज है ये हमारे देश की टेरिटरी बन गई, बॉर्डर्स कह सकते हो। कि हमारे देश के जितना भी हमारे देश के जो भी हिस्सा है वो पॉलिटिकल मैप आप सब बोल लो, इसको पॉलिटिकल फ्रंटियर भी बोलते हैं। कि जो भी हमारे देश के अंदर आप जो भी देश का हिस्से है, इंडिया का पूरा मैप है वो हमारा, वो जहाँ पर भी इंडिया में रहोगे वो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। इंडिया का अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, वो भी हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी है, ये तो सबको पता ही होता है। मतलब ये हमें समझ आ गया, जैसे कि अगर मैं इंडिया में कहीं पे भी रह रहा हूँ वो डोमेस्टिक टेरिटरी होगा इंडिया की। इंडिया में रह के अगर मैं पैसा कमाऊँगा, कोई भी बंदा कैसा कमाए, अब मेरे बात यहाँ समझना, इंडिया में कोई भी बंदा पैसा कमाए वो डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। डोमेस्टिक टेरिटरी में इसका मतलब पॉलिटिकल फ्रंटियर होते हैं हमारे कंट्री के, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स ऑफ अ कंट्री, ये हमारा पॉलिटिकल फ्रंटियर्स होते हैं। तो जो भी देश में आप पैसा कमाते हो ना, कोई भी बंदा पैसा कमाता है हमारे देश के अंदर, वो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में आ रहा है। और जो देश की डोमेस्टिक टेरिटरी से जो भी इनकम जनरेट होती है वो बन जाती है डोमेस्टिक इनकम, घरेलू इनकम, समझिए। तो जो भी सपोज़ करो कि एक बाहर का बंदा है, चलो एक एग्जाम्पल डोमिनोज का ले लेते हैं, डोमिनोज कंपनी इंडिया में मान लो 1 करोड़ पे एक ब्रांच से कमा रही है इंडिया में, तो ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आ रहा है क्योंकि इंडिया के अंदर कमा रही है। तो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम बन जाएगी, यानी कि घरेलू इनकम, कि जो भी इंडिया से इनकम जनरेट होती है वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम बन जाती है। तो अब डोमिनोज कंपनी भले ही बाहर की क्यों ना हो, बट वो क्योंकि इंडिया में कमा रही है तो इंडिया की डोमेस्टिक, यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी में कोई भी बंदा पैसा कमा सकता है, चाहे वो रेजिडेंट हो इंडिया का, चाहे वो नहीं रहने वाला हो इंडिया का, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में होना चाहिए बस, तो वो हमारी इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में आ जाएगा। ओके सर, यहाँ तक बात समझ में हमें आ रही है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें आपको समझनी है, ये तो हमें समझ में आ गया देश के अंदर कहीं भी रहे हम वो देश की डोमेस्टिक टेरिटरी है, लेकिन कुछ चीज़ें होती है कई बार देश के अंदर हम नहीं भी है, देश का मैप में नहीं आ रहा, फिर भी वो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है, वो आपको समझना है। जैसे कि इंडियन एम्बेसी जिसमें वीज़ा वगैरह पासपोर्ट वगैरह बनते हैं, एम्बेसी हमेशा देश के हमारी बाहर ही होती है। अगर कोई हमारी एम्बेसी है देश के बाहर किसी कंट्री में भी, तो वो हमारी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ने बनाई है ये एम्बेसी। गवर्नमेंट ने कुछ भी आपको राइट दिया है, कोई भी गवर्नमेंट का हिस्सा है कहीं पे भी, वो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में आते हैं। एम्बेसी इंडिया की होती है तो ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। अब कहीं पे भी इंडिया की एम्बेसी हो, चाहे यूएसए में, चाहे अमेरिका में, इंडिया की एम्बेसी कहीं भी पैसा कमा रही है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली बात है। अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई बाहर की ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, जैसे कि WHO, WTO, वर्ल्ड बैंक, ये इंटरनेशनल डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है, उसके कोई भी ब्रांच इंडिया में क्यों ना हो, अगर वो इंडिया में पैसा कमा भी रही हो ना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फिर भी वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आएगा, क्योंकि वो इंटरनेशनल डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है, ना कि किसी देश की। तो ये बात समझ लीजिए कि इंटरनेशनल अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वो हमारा देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में नहीं आता। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ऐसे ही कोई भी, अब आपको समझने वाली बात यह है, कई बार आपको कोई एयरक्राफ्ट होता है आपका, या कोई शिप होती है, या कोई फिशिंग वेसल है आपके पास, मतलब गवर्नमेंट आपको राइट देता है कि जाओ भाई इस ओशन में ना आप फिश पकड़ने का राइट है, ये ओशन आपका है, गवर्नमेंट ने राइट दे दिया, तो वो वहाँ से आप जो भी पैसा कमाओगे, सपोज कर आपको कह दे कि आप इंडियन ओशन में जाके फिश पकड़ोगे, ये फिशिंग जहाज हमारा है, आप इस इंडियन ओशन में, ये इलाका आपका है, यहाँ से फिश पकड़ो, तो उस इलाके में जो भी इनकम जनरेट होगी वो भी हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगी। ऐसे कोई एयरक्राफ्ट है आपका, मान लो एयर इंडिया का प्लेन है, उसको राइट मिला गया, उसको राइट मिल गया कि आप सिंगापुर से जापान उड़ान भरो, तो सिंगापुर से जापान में एयर इंडिया उड़ान भराना, वो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में आ गया, क्योंकि गवर्नमेंट ने राइट दिया है। अब वहाँ से जो भी इनकम जनरेट होगी, एयर इंडिया जो भी करेगा इनकम जनरेट, वो डोमेस्टिक इनकम में आएगा। कोई शिप भी हो सकती है, ऐसे कोई भी गवर्नमेंट ने आपको राइट दे दिया किसी जगह पे ऑपरेट करने का, वो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा, बस ये ध्यान रखना। गवर्नमेंट ने अगर आपको कह दिया कि ये जगह आपकी है, यहाँ से आप काम कर सकते हो यहाँ पर, तो वो हमारा देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में आएगा। समझ आ गई बात? बस ये बात समझने वाली बात है। ठीक है सर। सर अब बात करते हैं नॉर्मल रेजिडेंट के ऊपर, बात करते हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स। नॉर्मल रेजिडेंट क्या होते हैं? देश के रहने वाले। वो कैसे पहचानते हैं? या तो वो हमारे देश का ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो सकता है, या फिर किसी कंपनी का सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट एक देश के अंदर हो सकता है। हमारे देश का कोई रहने वाला है या नहीं है वो कैसे पहचानते हैं? उसको नॉर्मल रेजिडेंट बोलते हैं, हमारे देश का रहने वाला है या नहीं है वो। देखो कंपनी भी हो सकती है कोई देश का रहने वाला का, मतलब ये नहीं खाली लोग, कंपनी भी हो सकती है। कैसे पहचानते हैं? दो तरीके हैं, या तो वो इंडिया का ही उसकी नागरिकता मिली हो, तब तो हमारा देश का रहने वाला है ही। कई बार नागरिकता नहीं भी मिली होती, लेकिन अगर कोई बंदा इंडिया में एक साल से अगर ज़्यादा रह जाता है, कोई बाहर का फॉरेन का बंदा इंडिया में एक साल से ज़्यादा रह जाता है, तो हमारा इंडिया का ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा, और वो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट भी बन जाएगा। ऑर्डिनरी रेजिडेंट हमारा बन गया तो हमारा वो नॉर्मल रेजिडेंट भी बन गया, समझ गए? या फिर कोई कंपनी है जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में, यानी कि उसका हेड ऑफिस इंडिया में, उसकी ब्रांचेस बहुत जगह खुली हुई है, लेकिन वो पैसा सारा लेके इंडिया में ही आएगी, वो इंडिया की कंपनी है। अगर वो इंडिया की कंपनी है, उसकी ब्रांच कहीं पे भी हो, वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है। ठीक है, समझ आ गई बात? या तो इंडिया का रहने वाला हो, रहने वाला नहीं है तो बाहर का बंदा एक साल से ज़्यादा रह जाए इंडिया में, या फिर कोई इंडिया की कंपनी हो, तो वो सब नॉर्मल रेजिडेंट बन जाते हैं। और जो नॉर्मल रेजिडेंट पैसा कमाता है वो इंडिया की नेशनल इनकम में आता है, ये इंडिया की नेशनल इनकम में आएगा। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? देश की इनकम। तो देश की इनकम का मतलब देश के लोग जो पैसा कमा रहे हैं। तो देश के लोग कौन होते हैं? वो हमने समझा नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं। तो जो नॉर्मल रेजिडेंट पैसा कमाते हैं वो हमारा देश की इनकम होती है। और डोमेस्टिक इनकम कौन होती है? जो देश के लोग पैसा नहीं कमाते, डोमेस्टिक इनकम वाला जो हमारे देश के अंदर जनरेट हुई, चाहे वो रेजिडेंट कमाए चाहे वो नॉन रेजिडेंट कमाए, बट नेशनल इनकम होती है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश के लोग कमा रहे, चाहे इंडिया के अंदर कमाए चाहे इंडिया के बाहर कमाए, इससे मतलब नहीं है हमें, हमें सिर्फ देश के लोगों से मतलब है। यानी कि अगर मैं ये कह रहा हूँ कि एक मान लो एक सैलरी आपको रिसीव हो रही है, सैलरी रिसीव्ड बाय एन इंडियन एम्प्लॉई
इन यूएसए, मान लो यूएसए में कोई इंडियन एम्प्लॉय काम कर रहा था, उसको सैलरी मिल रही है। अब क्योंकि वो इंडिया का एम्प्लॉय है, इंडियन है, तो वो नॉर्मल रेजिडेंट बन गया, तो हमारे नेशनल इनकम में आएगा इरेस्पेक्टिव ऑफ कि वो कहाँ पैसा कमा रहा है। यूएसए में भले ही कमा रहा हो, इससे में मतलब नहीं है। हाँ, हमारी डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगा क्योंकि वो यूएसए में कमा रहा है, बट नेशनल इनकम में आएगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड। देखिए, फाइनल गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि हम या तो कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं। अब जैसे कि मिल्क परचेज किया हाउस होल्ड ने, तो कंजम्पशन के लिए परचेज किया, हम खुद यूज़ करेंगे। लेकिन अगर मैंने कोई मशीन खरीदी फर्म ने, तो वो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए खरीदी है, वो एक एसेट है, फिक्स एसेट है, जिसको लॉन्ग टर्म यूज़ करके हम प्रोडक्शन करेंगे। तो या तो फाइनल गुड इन्वेस्टमेंट के लिए हो सकता है या फिर कंजम्पशन के लिए, बेचने के लिए नहीं होता, ये ध्यान रखना। जो बेचने के लिए गुड्स होते हैं उसको इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं, यानी कि ये तो या तो रीसेल के लिए होते हैं या फिर इन गुड्स का इस्तेमाल करके मैं प्रोडक्शन करूँगा, फर्दर प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लेते हैं कि कोई एक बंदा है, उसने कॉटन 1000 का बनाया और 2000 का बेचा बी को, बी ने उस कॉटन का बनाया थ्रेड और उसने आगे 3000 का बेचा सी को, और सी ने बनाया क्लोथ और उसने आगे कंज्यूमर को बेचा 4000 रुपये का। अब कॉटन जो है वो बेसिकली ए के लिए क्या है, एक इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि वो कॉटन बेच रहा है, वो खुद यूज़ नहीं कर रहा। ऐसे बी ने कॉटन ख़रीदा तो कॉटन से थ्रेड बनाया, उसको बोलते हैं फर्दर प्रोडक्शन। किसी चीज़ को यूज़ करके जब आप कोई और चीज़ बनाते हो, दैट इज़ फर्दर प्रोडक्शन। फिर क्लोथ बेचा इसने कंज्यूमर, कंज्यूमर जो खरीद रहा होता है ये कंजम्पशन के लिए खरीदता है, उसे फाइनल गुड बोलते हैं। और इसको बोलते हैं जो प्रोडक्शन होती है, कैसे होती है, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन बाउंड्री। यानी कि प्रोडक्शन का जितना भी प्रोसेस है, प्रोडक्शन होती कैसे, फर्दर प्रोडक्शन कैसे होती है, वो प्रोडक्शन बाउंड्री है कि एक सामान बनता कैसे है। तो जो इंटरमीडिएट गुड है वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होता है। ये देखो, ये सारे इंटरमीडिएट गुड है जो कि कोई यूज़ नहीं कर रहा, ये सारे इंटरमीडिएट गुड है। लेकिन जो फाइनल गुड होता है वो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर होता है हमेशा। तो जो कंज्यूमर खरीदता है वो प्रोडक्शन बाउंड्री के बाहर वाला गुड खरीदता है, फाइनल गुड। क्लियर होगी बात यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तो बिल्कुल क्लियर है आपको। अब देखिए, ये जो फाइनल गुड होते हैं ना, ये भी दो तरीके के होते हैं। फाइनल गुड्स दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है हमारा कंजम्पशन गुड, एक होता है हमारा कंजम्पशन गुड्स, और एक होता है हमारा कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल। जैसे मैंने आपको बताया, फाइनल गुड दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या तो हम कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए। जो कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं उसे कंजम्पशन गुड्स बोलते हैं, जो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं उसे कैपिटल गुड्स बोलते हैं। एज सिंपल एज दैट। यानी कि जो हाउस होल्ड खरीदेगा खुद यूज़ करने के लिए, वो कंजम्पशन गुड है जो ये हाउस होल्ड खरीदता है। लेकिन ये भी गुड्स कई तरीके के होते हैं, जैसे कि एक होता है ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, और सर्विसेज। ये ड्यूरेबल गुड्स हो सकते हैं, जैसे कि एक होता है कंज्यूमर खरीदता है, लंबे समय के लिए खरीदता है, बार बार उसको यूज़ करता रहेगा। जैसे टीवी खरीदा, फ्रिज खरीदा घर में, तो वो लंबे समय के लिए खरीदा है, बार बार उसको यूज़ कर सकता है। सेमी ड्यूरेबल होता है जो लंबे समय के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते बार बार, जैसे कि क्लोथ, शूज़। इसको आपको कभी ना कभी एक साल के बाद नहीं लेना पड़ेगा, है ना। तो टीवी तो बहुत टाइम तक यूज़ करते हो, लेकिन क्लोथ, शूज़ जो बार बार ज़्यादा लंबे समय के लिए यूज़ नहीं कर सकते। और नॉन ड्यूरेबल का मतलब होता है कि जो बिल्कुल ही हल्का सा भी आप लंबे समय के लिए यूज़ नहीं, यानी कि एक बार खाया, एक बार यूज़ करा, ख़त्म, आपको नया लेना पड़ेगा। जैसे कि मिल्क, ब्रेड,
कुछ भी खाने पीने का सामान आप एक बार खाओगे वो सिंगल एक्ट कंजम्पशन होता है, एक बार खाया ख़त्म, दोबारा यूज़ करना पड़ेगा, फिर दोबारा लेना पड़ेगा। और या तो सर्विसेज हो सकती है कि गुड नहीं है तो सर्विस होगी, जो सेवाएं है जो हमें मिल रही है, टीचिंग मिल रही है, डॉक्टर की सर्विस, हॉस्पिटल की सर्विस, जो छू नहीं सकते वो भी कंज्यूमर खरीद सकता है। कैपिटल गुड्स होता है इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, ये फर्म खरीदता है, ये ध्यान रखना हमेशा, कंज्यूमर नहीं खरीदता। एक कार अगर कंज्यूमर ने खरीदी है तो उसके लिए ड्यूरेबल गुड है, लेकिन वही कार अगर फर्म खरीद रही है तो उसके लिए कैपिटल गुड है। और ध्यान रखना, अगर वो कार बेचने के लिए खरीद रही है तो इंटरमीडिएट गुड है। यही पे लोग फंसते हैं, मतलब कि आपको समझना पड़ेगा कि वो किसके लिए खरीद रहे हैं, किस चीज़ के लिए खरीद रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मशीन का एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि एक मशीन खरीदी कंज्यूमर ने, उसके लिए ड्यूरेबल गुड है, कंजम्पशन गुड है। लेकिन एक मशीन खरीदी कैपिटल फर्म ने तो कैपिटल गुड है। लेकिन अगर वो मशीन खरीदी फर्म ने बेचने के लिए, उसका मशीन खरीदना बेचना काम है, तो इंटरमीडिएट गुड है। तो कोई गुड है क्या, वो डिपेंड करता है उसका यूज़ पे। कुछ नहीं कह सकते कि वो गुड इंटरमीडिएट है, फाइनल है, कंजम्पशन है। यानी कि अगर क्वेश्चन में आपको आ गया कि भाई मान लो मशीन हमेशा फाइनल गुड ही होता है या मशीन हमेशा कैपिटल गुड ही होता है, तो गलत बात है। ये कुछ नहीं पता, डिपेंड करता है कि कौन यूज़ कर रहा है, कैसे किस लिए यूज़ कर रहा है। समझा गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम। बहुत बार आता ही है फैक्टर इनकम, यानी कि जो खुद कमाई है इनकम, कमाई हुई इनकम। जैसे कि आपको पता है सर्कल ऑफ इनकम में आपको पता है क्या था कि हाउस होल्ड क्या करता है, फर्म को फैक्टर सर्विस देता है ना। फर्म को प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए होते फैक्टर सर्विस, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फिर फर्म गुड सर्विस देता है, उसके बाद क्या करता है, फर्म हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट देगा बाद में। और वो फैक्टर पेमेंट क्या क्या होती है, लैंड के बदले में रेंट देता है, लेबर के बदले में वेजेस, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट। यही होती है फैक्टर इनकम। जो हाउस होल्ड फर्म को देता है फैक्टर पेमेंट, उसके लिए तो पेमेंट है बट फर्म के लिए, हाउस होल्ड के लिए बचता है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम मतलब जो हमने फैक्टर सर्विस के बदले में आपको इनकम मिल रही है, ये खुद ये कमाई हुई इनकम होती है, क्योंकि आपने सर्विस दी है। तो उसको हम बायलैटरल कॉन्सेप्ट बोलते हैं, यानी कि टू साइडेड, कि आपने एक सर्विस दी तो इनकम मिली, ठीक है, और ये हाउस होल्ड्स को मिलती है। लेकिन ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है, जो आपने अनअर्न इनकम है, जो आपने कमाई नहीं है, बस आपको मिल गई स्कॉलरशिप, आपको मिल गई, खुद कमाई नहीं है, पेंशन मिल रही है, यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, ये भी ट्रांसफ़र इनकम होती है। तो ट्रांसफ़र इनकम हाउस होल्ड को भी मिलती है, गवर्नमेंट को भी मिलती है, क्योंकि टैक्स आपको गवर्नमेंट को मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट आपको दे रही है बदले में डायरेक्टली। तो जो भी आपको बिना कमाई मिल गया वो ट्रांसफ़र इनकम। तो ट्रांसफ़र इनकम इज़ अ रिसिप्ट कॉन्सेप्ट, क्योंकि वो खाली मिल रहा है, बट फैक्टर इनकम इज़ अ इन अर्निंग कॉन्सेप्ट, क्योंकि कमाया है। समझ आ गई बात? तो ये थी फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम के बारे में। अब बात करते हैं हमारे तीन जो कॉन्सेप्ट बचे हैं, वो हमारे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, डेप्रिसिएशन, NFIA, है ना। हालांकि एक और अभी कॉन्सेप्ट बचा है, वो भी अब पहले वो डिस्कस कर लेते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस जैसे इन्वेस्टमेंट क्या था, इन्वेस्टमेंट कुछ भी हम कोई भी प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं कोई चीज़। अब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो सिर्फ फिक्स्ड एसेट खरीदे जैसे मशीन वगैरह, बल्कि कोई अगर स्टॉक बच गया आपके पास, उसको भी आप फ्यूचर में यूज़ करोगे। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आपका क्या क्या आता है, आपने कोई फिक्स्ड एसेट पर पैसा लगाया, ये तो आता ही आता है, बल्कि अनसोल्ड स्टॉक आपके पास कोई है, ये भी आता है। लेकिन डेप्रिसिएशन जो लगता है फिक्स्ड एसेट पर, आपको पता है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट पर डेप्रिसिएशन लगता है, मशीन की वैल्यू कम होगी, ठीक है। डेप्रिसिएशन यानी कि अभी डेप्रिसिएशन समझाइए, डेप्रिसिएशन पूरा कॉन्सेप्ट है, डेप्रिसिएशन मशीन कोई फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कम होना जब वो पुरानी हो जाती है, वो माइनस नहीं करते ग्रोस इन्वेस्टमेंट में, बस ये ध्यान रखना। और अगर आपको नेट इन्वेस्टमेंट निकालना है, नेट इन्वेस्टमेंट, तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से जब आप डेप्रिसिएशन हटा देते हो तो आ जाता है नेट इन्वेस्टमेंट। यानी कि अगर नेट वैल्यू पूछ रहा है तो आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर देना है, जैसे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट कितने की करी।
लेकिन अगर आप टोटल वैल्यू देखनी है तो ग्रोस इन्वेस्टमेंट देखते हैं, डेप्रिसिएशन उसमें इंक्लूड होता है। तो अगर मुझे ग्रोस इन्वेस्टमेंट तक पहुंचना है नेट इन्वेस्टमेंट से, तो आपको पता है नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन माइनस हो रखा होता है, तो हमें वापसी प्लस कर देना होगा ताकि अगर मैं ग्रोस वैल्यू निकालना चाहता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इसको हम NIT बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है पता होना चाहिए भाई, कि जो टैक्स सेलर के ऊपर लगता है लेकिन पे बाय करता है, जैसे GST, GST इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, लगा किसी और पे कोई और कर रहा है। लेकिन अगर उसमें से NIT कैसे निकलता है, अगर इनडायरेक्ट टैक्स में से अगर मैं सब्सिडी माइनस कर दूँ, सब्सिडी जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको छूट मिलती है टैक्स में, जैसे LPG सिलेंडर में सब्सिडी मिल गई, बहुत सारी जगह पर सब्सिडी मिलती है, ताकि सब्सिडी होता है सोशल वेलफेयर के लिए होता है। सब्सिडी जो भी गवर्नमेंट आपको दे रही है और जो आपको मिल रही है, ये भी आपके ट्रांसफर इनकम होती है, ध्यान रखना। क्योंकि हाउस होल्ड को अगर सब्सिडी मिल रही है गवर्नमेंट से, तो बिना कुछ करे मिल रही है, फ्री में मिल रही है, ट्रांसफर इनकम है। सब्सिडी अगर मैं माइनस कर दूंगा इनडायरेक्ट टैक्स में से, क्योंकि सब्सिडी क्या चीज़ है कि टैक्स में छूट, तो एक्चुअल में कितना टैक्स पे किया उसको बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर मुझे NIT निकालना है तो इनडायरेक्ट टैक्स में से जो भी आपको टैक्स में छूट मिल गई है सब्सिडी, उसको माइनस कर दो तो क्या निकल जाएगा, NIT निकल जाएगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन जैसे वो मतलब आपको बताया कि भाई जो कोई भी फिक्स एसेट टेंजिबल वाला, उसकी वैल्यू कम हो जाए, टेंजिबल मतलब जैसे छू सकते हैं, जैसे कि लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, उसकी वैल्यू का कम होना क्यों कम होती है, तीन कारण होते हैं, नॉर्मल वियर एंड टीयर, यानी कि कोई चीज़ आप बार 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 यूज़ कर दोगे तो वो कोई भी नई भी चीज़ हो वो ख़राब हो जाएगी, बार 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 यूज़ करके ख़राब हो जाती है, या फिर पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ कई बार क्या होता है कि आप यूज़ नहीं भी कर रहे लेकिन एक जगह पे अगर आप रख दोगे तो क्या मिट्टी नहीं जाती गाड़ी को, गाड़ी एक जगह रख दोगे टाइम के साथ साथ अपने आप ही जंग लग जाएगा गाड़ी को, हवा की वजह से, वेदर की वजह से, किसी और रीज़न की वजह से अपने आप ही ख़राब होगी गाड़ी, क्योंकि टाइम के साथ साथ कोई चीज़ नहीं वैसी की वैसी नहीं रहेगी। और ऑब्सोलेंस, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस बोलते हैं उसे, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेंस, यानी कि ऑब्सोलेंस का मतलब होता है कि कोई आपको पता था कि कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, कोई चीज़ पुरानी होगी, पुरानी टेक्नोलॉजी की होगी, अब नई टेक्नोलॉजी की गाड़ी आ गई है, पहले पेट्रोल वाली चलती थी अब ओला आ गई है, तो उसकी वजह से उसकी वैल्यू डाउन होगी, तो भी इसके अंदर आएगा। तो ध्यान रखना ये एक्सपेक्टेड होना चाहिए, लिखा हुआ ना, मतलब आपको पता है कि हाँ ये चीज़ और टेक्नोलॉजी में डाउन टेक्नोलॉजी नहीं आ सकती। कई बार क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड होता है ऑप्शनस, वो डेप्रिसिएशन में नहीं आएगा, जैसे कि मान लो एकदम से अर्थक्वेक आ गया, एकदम से कोई घटना घट गई, हमें पता ही नहीं था, एकदम से कुछ हो गया, तो डेप्रिसिएशन नहीं होता, वो कैपिटल लॉस कहते हैं उसे। अगर कोई चीज़ कैपिटल लॉस होता है नुकसान, ये डेप्रिसिएशन नुकसान नहीं होता, कैपिटल लॉस होता है कि एक्चुअल में उसकी वैल्यू डैमेज हो गई, है ना, डैमेज होगी उसकी वैल्यू, और किसी अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट की वजह से, वो डेप्रिसिएशन में नहीं आता। डेप्रिसिएशन में क्या आता है, जब आपको पता है कि हाँ भाई अब खरीद रहा हो तो उसकी वैल्यू डाउन होनी ही होनी है, तो पहले से ही आप प्रिपेयर रहते हो कि इसकी वैल्यू डाउन होगी, तो मैं एक्चुअल में इसको, मुझे अगर टाइम के साथ साथ डाउन होगी तो मुझे ठीक कराना पड़ेगा, या फिर एक समय के बाद नहीं लेना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम होता है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल यानी कि जो फिक्स्ड एसेट होते हैं उसको जब आप यूज़ करते हो वही डेप्रिसिएशन है, क्योंकि जब आप यूज़ करोगे उसकी वैल्यू डाउन होगी, जितना आप यूज़ करोगे उतनी वैल्यू उसकी डाउन होती रहेगी, इसलिए इसका नाम बढ़ गया कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। आपने एक यूज़ कर रहे हो बार बार, तो एक लाख आपने एक लाख मान लो उसका खर्चा करवा दिया आपने यूज़ करते करते, तो एक लाख इसकी वैल्यू डाउन होगी, इसके मतलब समझ लो, तो करते करते कंजम्पशन इसका नाम पड़ गया कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। NFIA अगला टॉपिक, लास्ट टॉपिक NFIA, इसका नाम होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। जैसे कि मैंने आपको बताया नेशनल इनकम क्या होती है, जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स कमाते हैं, देश के बंदे कमाते हैं। अब देश के बंदे मैंने क्या बताया था, दो जगह से पैसे कमा सकते हैं, या तो देश के अंदर कमाए या बाहर से कमाए।
कहीं से भी कमाए देश के बंदे, हम क्या कमाए क्या बंदर। तो जो बाहर से कमाते हैं उसे बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट नहीं, नेट का मतलब है बताओ क्या होता है। जो हम बाहर से पैसा कमाते हैं, और कौन से इनकम कमाते हैं, फैक्टर इनकम, ध्यान रखना कमाते हैं, ट्रांसफ़र इनकम की बात नहीं करूँ। ट्रांसफ़र इनकम कभी भी ना तो नेशनल इनकम में आती है ना डोमेस्टिक इनकम में आती है, कमाई हुई इनकम की बात कर रहे हैं, यानी कि फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम जो हम बाहर से कमाते हैं, क्योंकि नॉर्मल रेजिडेंट कहीं से भी कमाए वो नेशनल इनकम में आएगा, क्योंकि वो बाहर, क्योंकि देश के बंदे हैं। तो बात हो रही है जो देश के बाहर से कमाते हैं उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जैसे कि मुझे सैलरी मिली यूएसए में, मैं इंडिया का बनता था तो मैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहूँगा उसे, क्योंकि वो पैसा भी इंडिया में लिखा हुआ फैक्टर इनकम फ्रॉम। लेकिन अगर मैं इसमें से, क्योंकि देश ने जो बाहर से कमाया वो तो बोलते हुआ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, लेकिन जो देश ने बाहर के बंदों को पे किया, एक तो है कि फैक्टर इनकम आपने कमाई बाहर से, लेकिन नेट पैसा कितना कमाया। अगर मुझे ये निकालना है कि नेट कितना कमाया, जैसे कि मान लो आपने, आपकी 1 करोड़ की इनकम हुई लेकिन 50 लाख के खर्चे थे, तो मैं कहूँगा नेट आपने कितना पैसा कमाया, तो 50 लाख माइनस कर दोगे ना। ऐसे ही अगर देश ने बाहर से पैसा कमाया तो उसमें से पहले माइनस कर दोगे कि देश ने बाहर के बंदों को कितना पे किया, तब समझ में आएगा। उसको बोलते हैं, इसको माइनस कर दोगे उसमें से, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड मतलब हमने कितना बाहर के बंदों को, नॉन रेजिडेंट्स को पे किया। फॉर एग्जांपल आपके देश में डोमिनोज है, डोमिनोज 1 करोड़ पे कमा के ले गया इंडिया से, तो इसको फैक्टर इनकम टू अब्रॉड बोलूँगा, क्योंकि हमारे देश से पैसा गया, देश के अंदर उसने पैसा कमाया और ले के बाहर गया। देश के अंदर जो भी नॉन रेजिडेंट पैसा कमाते हैं, ध्यान रखना बात, देश के अंदर जो भी नॉन रेजिडेंट पैसा कमाते हैं वो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड होता है, क्योंकि वो हमारा देश बाहर के बंदों को पे कर रहा है। और जो भी देश के नॉर्मल रेजिडेंट बाहर से पैसा कमाते हैं वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसमें से अगर माइनस कर दूँ तो क्या आ जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFI। अब ये 3 तरीके की इनकम होती है। एक होता है नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, जैसे कि मैंने बताया कि जो सैलरी वगैरह मिल रही है, जो भी आप पैसा कमा रहे हैं जॉब से, नेट वर्ड आ गया तो उसका मतलब इसमें से वही चीज माइनस कर दो, कि अगर आपने मान लो सैलरी कमाई हमारे देश के बंदों ने, लेकिन देश के बंदों को कितना पे कर दिया वो माइनस कर दो, पहले नेट आ जाएगा, यानी कि नेट बाहर हमारे बंदों ने सैलरी से कितना पैसा कमाया वो निकालने के लिए क्या करूँगा, हमने कितना कमाया और हमने कितना पे कर दिया नेट। ऐसे ही नेट, एक तो है नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा क्या है नेट ठीक है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब कि आपकी कोई प्रॉपर्टी थी वो आपने उससे पैसा, जैसे लैंड से पैसा कमा, रेंट से आप लैंड से पैसा कमाया आपने, आपके पास पैसा था, कैपिटल दी किसी को, तो इंटरेस्ट कुछ भी हो सकता है, आपने प्रॉपर्टी से पैसा कमाया अपनी, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि अपने बिजनेसमैन थे तो प्रॉफिट कमाया, वो आपने कहीं से भी बाहर से कमाया, वो आप उसको से माइनस कर दो जो आपने बाहर का बंदों को पे किया, तो नेट आ जाएगा। और तीसरी तरह से इनकम हो सकती है नेट रिटेन अर्निंग, यानी कि पैसा कमा के कई बार आप बचा लेते हो, तो रिटेन अर्निंग होती है। तो वही आपने कितना बचाया माइनस कर दो, आपने बाकी लोगों को कितना पे कर दिया बचाने में। तो ये सब 3 इनकम होती है हमारी, ये NFI में आता है। आई होप आज की वीडियो के लिए आपको इतना ही समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।